न्यू दुर्गा ज्वेलर सिरसा, खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। रानिया क्षेत्र है वो सब्जी की खेती के लिए जाना जाता है और यहाँ की भिंडी और मटर बम्बई तक सप्लाई होती है और ये कहने में भी आता है कि जो रानिया की जो मटर है वो बॉलीवुड के लोग हैं वो खाते हैं। यहाँ की भिंडी है वो पूरे सिरसा ज़िला ही नहीं पंजाब हरियाणा में के अलावा राजस्थान और यूपी तक सप्लाई होती है। और आज हम भिंडी के खेत में हैं और यहाँ के किसान हैं जो भिंडी की खेती करते हैं और छोटी यानी खेती है, करीब 2 एकड़ में इन्होंने भिंडी की बिजाई की थी मार्च में और पर एकड़ के हिसाब से करीब यानी कि 1 लाख रुपए की जो है फसल है वो होगी और उसमें 50,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से जो खर्चा है वो किसान को पड़ेगा। और या इस फेयर को यूँ समझिए क्योंकि जब सब्जियां महंगी होती है तो आम ग्राहक पे कितना बोझ पड़ता है, जो सब्जी खाने वाला है यानी उपभोक्ता है उस पे कितना वजन पड़ता है। अब आप जो मार्केट में जाएंगे तो आपको अमूमन सब्जी की दुकान से भिंडी है वो 50 रुपये किलो से कम नहीं मिलेगी, 50 रुपये किलो आपको मिलेगी। लेकिन यहाँ पे जो किसान है उनकी जो भिंडी है वो 20 रुपये किलो मार्केट में जा कर के बिकती है और इस 20 रुपये में वो 6 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से जो आप देख रहे हैं कि ये जो तमाम जो महिलाएं हैं क्योंकि इसी इलाके की महिलाएं हैं और वो यहाँ पर मजदूरी करती हैं, पर किलो के हिसाब से 6 रुपये है वो किसान को देना पड़ता है। इनका पूरा एक हिसाब किताब होता है कि किस महिला ने कितने किलो भिंडी है उसकी तुड़वाई की, उसके बाद 6 रुपये के हिसाब से उसको पैसा मिलता है। और सुबह सुबह सवेरे ये काम करने के बाद ये जो महिलाएं हैं वो नरेगा का काम करने के लिए भी चली जाती हैं, सुबह सुबह यहाँ पे मजदूरी करती हैं, उसके बाद नरेगा जो है उस पर भी जो मजदूरी है वो करती हैं ये महिलाएँ। और ये जो लिफाफा है आपको दिखा रहा हूँ करीब 10 किलो का होगा भाई साहब, ये 10 किलो का ये लिफाफा है, इस लिफाफे की 2 रुपये कीमत है यानी 6 रुपये तुड़वाई और 2 रुपये लिफाफा, 8 रुपये जो है किसान को लग जाते हैं और 10 रुपये अच्छा गाड़ी का जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा है मंडी तक पहुंचाने के लिए 10 रुपये प्रति किलो के हिसाब से लग जाते हैं खर्चा और जब मार्केट में बिकती है तो 20 रुपये किलो बिकती है यानी 10 रुपये पर एकड़ पर किलो के हिसाब से किसान को बचता है। उसके बाद जब आम ग्राहक तक भिंडी पहुंचती है तो वो 50 रुपये यानी कि बीच में जो 30 रुपये का झोल है वो आप समझ ही सकते हैं कि उसमें मार्केट की फ़ीस भी आ जाती है, व्यापारी का जो मुनाफा है वो आ जाता है, उसके बाद वो रेडी से दुकान तक जाता है तो कई कई लोग हैं उसमें बीच में तो उस फेयर में भी जो है आपको सब्जियां हैं वो महंगी आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से। और जो यहाँ पे जो भिंडी है उसकी आपको दिखा रहे हैं कहीं सर रोजाना कितना, एक दिन छोड़ करके एक दिन करते होंगे, क्या नाम आपका? हाँ, नाम गुरबचन सिंह जी। तो यही काम आपका? हाँ जी यही है जी। तो आपने कितने एकड़ में की है भिंडी की? ये सर 1.5 एकड़ में। 1.5 एकड़ में की है जी। तो ये मार्च में आपने की? ये सर ये फरवरी में बिजाई होती है जी, इसके अप्रैल से इसका फल आ जाता है जी, अप्रैल से शुरू हो जाती है। अप्रैल से शुरू हो जाती है तो अब ये अगले महीने तक चलेगा या? हाँ जी जुलाई तक, जैसे यार कुछ लोग जैसे ठेके पे जमीन लेते हैं उनका तो जैसे ठेका पूरा हो गया वो तो अब उसको बहा देंगे तो जैसे आगे खुद की जमीन है, खुद की है, जब धान लगाएंगे उससे पहले। हाँ जी 7th मंथ 8th मंथ तक चलाएंगे इसको, चला लेंगे। हाँ जी। तो पर एकड़ के हिसाब से 1,00,000 रुपया मुनाफा हो जाता है किसान? मुनाफा भी है सर, जैसे 10 रुपये बचते हैं जी उसमें खास स्प्रे का भी खर्चा आ जाएगा, कुल मना के मानो तो ये 6-7 रुपये बचेंगे। अच्छा 6 सर पर 1 किलो के हिसाब? हाँ जी। मतलब इसकी जो औसत है वो कितनी आ जाएगी पर एकड़ के हिसाब से, क्विंटल के हिसाब से देखें तो? औसत सर जैसे एक दिन छोड़ के तोड़ते हैं 3-4 क्विंटल आ जाती है। अच्छा तो मान के चलो 1.5 एकड़ में 5-1 क्विंटल निकल जाती है। अच्छा हाँ जी। जिनमें से सर इनका खर्चा आ जाएगा लिफाफे की भरवाई है, जो लिफाफे का खर्चा है, गाड़ी का तेल वगैरह। यानी कि जब अप्रैल में इसने जो फल देना शुरू किया और जुलाई तक सिर्फ 2 ही बार तुड़वाई होगी या रूटीन में जब जब चलती रहेगी? नहीं सर रूटीन में ये चलती रहती है, जितनी गर्मी पड़ेगी उतना फल उठाएगी ये। एक दिन छोड़ के तुड़वाई करते हैं तो कितने एकड़ कितने किलो आप ले जाते हैं मंडी में? एक बार जैसे सर आज तुड़वाई की है तो 5-6 क्विंटल के करीब है, 1.5 एकड़ में। हाँ जी ले जाएंगे आप। 1 किलो में लगभग 4-1 क्विंटल के करीब, 3.5-4 क्विंटल माल उतरता है एक बार तुड़ाई में। हाँ जी। तो कितनी बार तुड़ाई हो जाती होगी मान के चलो आप
तीन महीने की फसल है जी, 45 दिन होते हैं। हाँ जी, तो यानी उस हिसाब से 1,00,000 रुपया जो है। हाँ सर, इनकम है, जैसे इनकम निकलती है उसमें से आधा खर्चा भी आता है, लेबर भी बढ़ती है, जैसे इसमें जो बंदा स्प्रे खाद करेगा वो भी पैसे लेगा। कई बार तो सर रेट सही है तो बच जाते हैं, स्टार्टिंग में रेट था जब इसका वजन कम था, और व्यापारी को पैसा ज़्यादा बनता है सर मंडी में। सर ये एक टाइम ऐसा आया था कि इसको 5-6 रुपये पे आ गए, 5-6 रुपये आ गई थी, तो तुड़वाई भी पूरी नहीं हुई, यानी कि उस टाइम तो ये मन करा होगा कि इसको ट्रैक्टर चला दें। हाँ जी हाँ जी, एक बार तो ऐसे लगा था, इनको भी बोल रहे थे कि बची नहीं, फिर ये बोल रहे हम क्या करें, हमारे भी नहीं, इनको भी सर देना जरूरी है, इनकी भी दिहाड़ी मजदूरी करते हैं जी, इनके हाथ खराब हो जाते हैं, इनको भी अपना पसीना, यहाँ गर्मी में बहुत दिक्कत आती है जी। हाँ जी, अब जैसे सर बठिंडा में राजस्थान में भिंडी जाती है, वहाँ 50-60 रुपये नॉर्मल बिक रही है मंडी में। हाँ जी, तो बस वही है कि किसान है वो मार्केटिंग नहीं कर सकता, वहाँ जा नहीं कर सकता, किसान से सर खरीदेगा कौन, एक लिफाफा लेंगे, दो लेंगे, 5-5 क्विंटल तो कोई भी नहीं लेगा, दुकानदार भी नखरे करता है, वो सोच रहा है कि व्यापारी की चैन, व्यापारी की चैन में ही फंसा रही। हाँ सर, वो सोचता है कि मैं 10 लेके 30 बेचूं, 40 बेचूं, उसको अपना प्रॉफिट दिखता है, जिम्मेदार का नहीं दिखता। धन्यवाद। तो आपको हमने कोशिश की है ये दिखाने के लिए कि जो लोग ये कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, किसान की जो भिंडी है वो करीब 10 रुपये उनको बचत होती है, 20 रुपये किलो बिक रही है, और आपको मार्केट में 50 रुपये से लेकर के 60 रुपये तक है। हमारे साथ एक माता हैं जो, आप भिंडी तुड़वाई का काम करते हो जी? हाँ जी। कितने सालों से कर रहे हो गए जी? 2 महीने तोड़ते हैं। 3 महीने? अच्छा, 3 महीने। 3 महीने तो यहीं तोड़ते होगे, वैसे तो आप काफी टाइम से कर रहे होंगे। हैं? वैसे तो काफी साल हो गए होंगे। बहुत साल हो गए ने, सारी उम्र ही हो गई तोड़ दिया नु। अच्छा, भिंडी तोड़ते। हाँ जी। तो क्या रेट चल रहा है आज? 4-5 रुपये बस, और क्या रेट है। तो हाथ भी खराब हो जाते होंगे? हाँ देखो, उंगला का मोरिया हो रही है। अच्छा। हाँ, जो ना सब कुछ ही कर दे जी, मजबूरी है, करना ढड पालना है। अच्छा। की करिए, गरीब है। तो सुबह सुबह कितने किलो तोड़ देती हैं आप भिंडी? तोड़ देते 25-30 किलो। अच्छा, 30 किलो, यानी कि 6-3-18 180 रुपए बन जाते हैं। हाँ जी। और उसके बाद अब क्या करोगे? हम नरेगा वाले काम पर। अच्छा, उसमें भी आपको? हाँ चलेगा, 10-15 दिन नरेगा का काम है, उसके बाद फिर फ्री होते हैं, इनके पास कोई साधन नहीं है, सरकार भी कोई इनको नहीं सहूलत दे रही, अगर ये बीमार हो रहे हैं ये खुद के खर्चे से ही कमा रहे हैं, इनको सरकार से कोई सहूलत नहीं है, अगर कोई बीमार हो रहा है, किसी की आंखें खराब हो रही है, तो उसको खुद के पैसों से ही इलाज करवाना पड़ रहा है। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से ये महिलाएं हैं, और छोटा ये सेटअप है जिसमें ये ग्रीन जो बिल्कुल कारपेट लगा रखा है, और उसके नीचे जो ये महिलाएं हैं भिंडी तोड़ करके सप्लाई करती हैं, और यहीं से आपको ये भिंडी मिलती है मार्केट में, जब आप इनका सब्जी बनाएंगे, इसका भुरता बनाएंगे, तो आपको ये आसानी से मिल जाएगी, लेकिन 60 रुपये किलो, 50 रुपये किलो तक मिलेगी, लेकिन किसान के खेत में इसकी कीमत करीब 20 रुपये है, जिसमें से ही 6 रुपये तुड़वाई चली जाती है, 2 रुपये का लिफाफा है, उसके बाद डीजल का, पेट्रोल का खर्चा भी है, मंडी तक जाने के लिए करीब 10 रुपये का खर्चा पड़ता है, और 80 रुपये किसान को बचते हैं, जिसमें से 6 रुपये जो है लेबर का खर्चा है। पूरा हिसाब किताब रखते हैं कि किसने कितनी कितनी एकड़ भिंडी है वो किलो तोड़ी, और उस हिसाब से फिर उनको पैसा भी देना होता है। तो आपको दिखा रहे हैं तमाम सारी महिलाएं हैं वो जुड़ी। हाँ जी, आपका क्या नाम है? विष्णा रानी जी। तो कितने सालों से तोड़ रहे हो? भिंडी भी तोड़ते हो, मटर भी तोड़ते हो? हाँ जी, सारी सब्जी तोड़ते हैं। हाँ जी, सारी उम्र ही होगी, गरीबी होगी, तो काम करांगे तो रोटी खाओगे। आप आ जाओ इधर, आ जाओ, बंदे पकड़ लो, खा लो। कितने रुपए बन जाते हैं? क्या बनता है? 200 रुपया, 150 रुपया बनता है, और कुछ नहीं बनता। अच्छा, 150 रुपये बनता है। टमाटर, भिंडी, तोरी, कद्दू, सारे तोड़ते हैं सर। आपने तो गर्मी में भी ये जैकेट पहना है? ए सर, मोदी ने दिया है, है? मोदी ने दिया। मोदी जैकेट है ये? मोदी ने कैसे दे दी आपको ये जैकेट? मेरे कात का प्रबंध है, कात खांदी है, कात खांदी सर, व्याने वाली भिंडिया वाली, उसकी फाक है। हाँ, फाक खाती है वो, लगती है इसलिए पहन रखा है। इधर देखो, ये देखो, ये देखो निकला है, एलर्जी होती सर। और इधर देखो क्या हाल है, आपने तो पूरा, इधर देख खून निकल गया। हाँ, ते बेचारा एलर्जी वाली गोली ले आन के दें, को सिर पीड़ो, बुखार हो, बेचारा बहुत देखभाल करता है। तो आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से इस महिलाओं का भी दर्द टटोलने का प्रयास हमने किया, कि किस तरह से 5-6 रुपये एकड़ के किलो के हिसाब से ये महिलाएं हैं वो मजदूरी करती हैं,
और एक किलो भिंडी तोड़ देंगी तो 6 रुपये इनको मिलेंगे, और पूरा दिन में क्योंकि सुबह सवेरे आकर के भिंडी तोड़ते हैं, जब तक मार्केट में नहीं पहुंच जाती, कोई 20 किलो कोई 30 किलो है भिंडी वो तोड़ पाती हैं, करीब 100 से लेकर के 120-130 रुपए इनको मिलते हैं। और किसान से हमने बात की कि उनका मुनाफा भी काफ़ी कम है, हालांकि जो है किसान है वो इस फसल की बिजाई करता है, खाद बीज स्प्रे सब कुछ इस पर डालता है और पूरी जो है इसकी रखवाली करता है, उसके बाद उसको 10 रुपये किलो के हिसाब से बचत होती है, जबकि व्यापारी है वो मोटा मुनाफा कमा रहे हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। इस तरह की तमाम वीडियोस देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। YouTube पर आप देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल, और Facebook पे देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो कर जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कर सकते हैं ताकि तमाम लोगों तक जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।